खुदावन यीशु मसीह के अजीम और जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम जो है वो सेकेंड मॉर्निंग शूट करने जा रहे हैं और गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, जितने भी लोग जो हैं वो मुझे इस वक्त सुबह के वक्त में देख रहे हैं, आप सबको जो है वो आज की सुबह मुबारक हो। खुदावन आप सबको जो है वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, आपकी ज़िंदगी में जो है वो खुदावन ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और किसी चीज़ की कमी ना होने पाए, आमीन। तो आज हम देखेंगे कि आज जैसे कि सेकंड मॉर्निंग शो जो है वो एपिसोड नंबर 2 है, तो हमने जो मॉर्निंग शो बनाया है इसका मकसद ये है कि हम उन लोगों के लिए दुआ करें, यानी कि वो लोग जो इस वक्त जो है वो अपने जॉब पर जा रहे हैं, या ऐसे लोग जो कि क्या कहते हैं उसका नाम है अपने जो है वो ऑफिस में जा रहे हैं, या बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, और एवरीवन जो है वो खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाए, और हम उन सब के लिए जो है वो दुआ करने वाले हैं, आमीन। तो आए हम खुदावन के कलाम में से जो है वो बहुत ही खूबसूरत बातों को सीखेंगे कि खुदा हमसे क्या कहता है और खुदा क्या चाहता है कि हम सुबह में क्या करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शुक्रगुजारी करना जो है वो हर शख्स के लिए वाजिब है, और खुदा चाहता है कि हम जो है हर हाल में खुदा का क्या करें, शुक्र अदा करते रहें। खुदावन की शफकत की तारीफ और सना, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है जबूर 113 में लिखा हुआ है, यानी कि 113 में कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावन की शफकत की तारीफ और सना। खुदा जो है वो उसकी शफकत जो है वो, इस वर्ड का मतलब है शफकत भरी निगाह से जब कोई किसी को देख रहा होता है, जब इस किसी को जो है बहुत ज़्यादा प्यार से देखता है, या किसी पर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपना जो है वो प्यार जताता है, तो उसको कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा शफकत से देख रहा था। यानी एक वालिद जो है, एक बाप या एक माँ जो है वो जब अपने बच्चों को देखते हैं मोहब्बत के साथ, उसको कहा जाता है कि ये शफकत के साथ देखते हैं। तो खुदावन की शफकत और तारीफ, यानी खुदावन की शफकत कैसी है और उसकी तारीफ करनी है हमें। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा की हमद करो, यानी चाहे हम सुबह उठें या शाम उठें, हमें हर वक्त क्या करना चाहिए, हमें खुदा की तारीफ करनी चाहिए, खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। क्योंकि जब हम खुदा की तारीफ करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तो क्या होगा, खुदा जो है वो हमें जो है वो उसके बदले में जो है वो ब्लेस करेगा, आमीन। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है ऐ खुदावन के बंदो हमद करो, यानी खुदा के बंदो हमद करो, खुदा के जो लोग हैं वो क्या करें, वो खुदा की हमद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करने वाले बने, खुदा के नाम को ऊंचा करने वाले बने, खुदा के कलाम को ऊंचा करने वाले बने, खुदावन के नाम की हमद करो। खुदावन हम आपकी कुदरत वाले हाथ को मांग लेते हैं इस जगह पर, और खुदावन हमारे दिलों के हर एक काम में, हर एक चीज़ में, हमारे रिश्तों में खुदावा हर चीज़ में खुदावन हमारी हिफाजत करना, क्योंकि जब आप हमारे साथ हैं तो खुदावा हमारा ईमान और भरोसा है कि आप हमेशा हमें बचा लेते हैं, हालेलुया। आप हमेशा हमारे रिश्तों को बचा लेते हैं, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, खुदावन के नाम की हमद करो, यानी उसके नाम की हमद करो। और लिखा है अब से अब तक, यानी अब से आज से लेकर हमेशा तक क्या करो, खुदा के नाम की हमद करो, खुदा के नाम की तारीफ करो, क्योंकि उसका नाम अव्वल है, उसका नाम जो है वो सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है आफ्ताब के तलू से गुरूब तक, यानी आफ्ताब के तलू से उस वक्त से करो जब जो है वो आफ्ताब शुरू होता है, यानी अभी जो मॉर्निंग का वक्त है, खुदा की तारीफ करना शुरू कर दें, खुदा के नाम को ऊंचा करना शुरू कर दें, खुदा के नाम को जो है वो बुलंद करना शुरू कर दें, हालेलुया। जब आप खुदा के नाम को बुलंद करेंगे, जब आप उसके कलाम को जो है वो ऊंचा करना चाहेंगे, तो खुदा जो है वो आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम करेगा, खुदा आपकी लाइफ में वो काम कर देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और खुदा ने वो सारे काम कर देगा आपकी लाइफ में, हालेलुया। लेकिन वक्त क्या करना है, हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है, खुदा की जो है वो राह पर चलना है, हालेलुया। खुदावन सब कौमों पर बुलंद उबाला है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन सब कौमों में बुलंद उबाला है, और जब जो खुदा के लोग हैं जब वो उसके हजूर झुक जाते हैं, तो खुदा कभी भी जो है वो अपने बच्चों को मायूस नहीं रहने देता, खुदा कभी भी अपने बच्चों को जो है वो परेशान नहीं रहने देता,
की मानिंद कौन है, हमारे खुदा की मानिंद कौन है, क्या कोई है शख्स जो हमारे खुदा की मानिंद हो? कोई भी नहीं है, एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जो हमारे खुदा की मानिंद हो, जो हमारे खुदा की मानिंद जो है वो, जिसकी लाइन जो है वो हमारे लिए इतनी मोहब्बत करता हो। कलाम मुकद्दस में लिखा, उसका जलाल आसमान से बदतर, खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है, जो आल में बाला पर तख्त नशीन है। जो आल में बाला पर तख्त नशीन है, जो इब्तिदा से मौजूद है, जो इंतहा तक है, हालेलुया। और भी कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो फरोतनी से आसमान और ज़मीन पर नज़र करता है, यानी क्या करता है, फरोतनी के साथ खुदा के जो है वो कामों को, हुक्मों को जो है वो मानते हैं, और अपने जो है अपने आप को फरोतन बनाकर खुदा के काम पर जो है वो नज़र करता है। फिर कह लिखा है, वो मस्कीन को खाक से, और मस्कीन को क्या करता है, खाक से, और मोहताज को मजबला से खा लेता है। यानी खुदा जो है वो मस्कीन को खाक से, एक शख्स है जो खाक में पड़ा हुआ है, खुदा जो है उसको वहाँ से उठा लेता है। और क्या लिखा है, एक शख्स को जो है वो मजबला से, यानी गंद से जो है वो उठा लेता है। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, ताकि उसे अमरा के साथ, यानी उसे क्या करे, अमरा के साथ, यानी अपनी कौम के अमरा के साथ बिठाए। वो पाँच का घर बसाता है, खुदा क्या करता है, खुदा जो है वो पाँच का घर बसाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और अपने बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। और फिर क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में, खुदावंद की हम्द करो, यानी सब बातों में, सब चीज़ों में जो है क्या करना है, खुदा की तारीफ करनी है। आए आज की मॉर्निंग के लिए जो है मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी कि आप जब खुदा के जो है वो दुआ जो है कलाम को सुनकर जा रहे हैं, और जो है आपके लिए दुआ की जाए, ताकि आपका आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बाबरकत हो, अगले इसके हर एक नापाके से खुदा आपको बचा के रखे। आमीन। आए हम दुआ करते हैं। जिंदा आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, मैं दुआ करती हूँ एक एक जान के लिए, इस वक्त जितने भी जाने खुदावंद आपके कलाम को सुनकर खुदा बाप, खुदावंद आसमानी बाप जो जा रही हैं खुदावंद, इनके लिए बरकत चाहती हूँ, इनके लिए ब्लेसिंग चाहती हूँ, इनके लिए खुदावंद आपके आसमान को खुला हुआ चाहती हूँ, चाहती हूँ खुदावंद के बरकत दें, बरकतों को नाजिल फरमा यीशु के नाम से, खुदावंद इनके घराने को बरकत दे, इन्हें किसी चीज़ की कमी ना होने देना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, हम सब कुछ मांगते हैं यीशु के नाम से। और आप जो है हमारे चैनल की वीडियो को जो है वो ज़रूर शेयर करें, और अपने पेजेस पर भी शेयर करें, अपने फेसबुक पर भी शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम जो है वो आपके तक पहुँचे।